इंदौर शहर में महामारी कोरोना वायरस में लॉकडाउन के चलते शराब की तस्करी करते हुए नगर निगम के कर्मचारी व अन्य 3 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके पास से देसी शराब, 1000 रुपए की सब्जी व फल भी जब्त किए गए हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर चार पहिया वाहन को रोका गया। वाहन पर सब्जी सप्लाई करने का पास लगाकर निगम कर्मचारी शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया। चार पहिया वाहन की चेकिंग की गई तो वाहन में फल व सब्जियों के साथ एक देशी शराब की पेटी भी बरामद की गई है। पकड़ा युवकों के नाम सुनील उर्फ सोनू निगम, जो कि नगर निगम में वाहन चालक के पद पर पदस्थ है। 3 अन्य साथी शैलेंद्र, राजेंद्र, गणेश, तीनों ही पकड़ा युवक भी शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पकड़ा युवक ने पूछताछ में बताया कि देसी शराब की पेटी पीतमपुर से खरीद कर पीने के लिए घर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। एक सेंट्रो मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सेंट्रो कार MP09HD6601 में 4 लोग हैं, जो गाड़ी में कुछ फल उसके साथ में शराब लेकर पीतमपुर से द्वारकापुरी तरफ आ रहे हैं। इनको घेरेबंदी कर जब इनको चेक किया गया तो कार में 4 लोग, जिसमें सुशील सोनू निगम जो छतरीपुरा का रहने वाला है, और शैलेश मकवाना ये राजाबाग कॉलोनी, राजेंद्र चौहान ये भी राजाबाग कॉलोनी, और गणेश मालवी ये द्वारकापुरी का रहने वाला है। ये 4 लोग मिले हैं, जिनके पास से कार में तरबूज, लौकी और कद्दू तथा उनके बीच में एक पेटी देसी शराब मिली है, जो पीथमपुर से खरीद के लेके आए थे। इनके विरुद्ध में अपराध क्रमांक 234(1) एक्साइज एक्ट, 188, 269 IPC और 56 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।